तो वो चीजें कर सकते हैं। तो हमें उन सिस्टम को पकड़ना है जो आसानी से हो, बच्चों के लिए टारगेटिव हो। अब वो बच्चे जिनका मोबाइल की रीच नहीं है, उसके लिए सरकारें भी सोच रही हैं, हम भी कुछ कर सकते हैं। हम जो अपने रिकॉर्ड लेक्चर करते हैं, हम उस रिकॉर्डेड लेक्चर की साथ साथ वीडियो फाइल बनाएं। आज के समय में एंड्रॉइड फोन होना कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन फिर भी मानिए कि अगर हमारी 10% या 20% स्टूडेंट अभी नहीं है ऐसे फोन, स्टूडेंट पर हो ना, उनके पेरेंट्स को जरूर होगा। अगर नहीं है तो कहीं ना कहीं समस्या है, उसे एड्रेस करना होगा। एक एड्रेस ये है कि हम जो दूरदर्शन या जो हमारे चैनल्स उनके माध्यम से जाएं। दूसरा तरीका ये है कि हम जब लेक्चर रिकॉर्ड करें अपना, तो उसकी एक ऑडियो फाइल बना लें। आप जानते हैं MP3 फाइल काफी कम स्पेस लेती है और वो एक नॉर्मल फोन में भी गाने की तरह चल जाती है, जो एंड्रॉइड न भी होगा। MP3 फाइल सब में गाने जब बच्चे हर एक में सुनते हैं, वो सादा वाला फोन तो अधिकांश जगह तो उसमें सुन सकती है। अब जब किसी चीज की शुरुआत करते हैं तो हम ये नहीं टारगेट कर सकते कि हम एकदम 100% स्टूडेंट 100% तक पहुंच जाएंगे। शुरुआत हमारी कम से ही होगी, धीमे धीमे उसमें हम आगे बढ़ेंगे। और मैंने जो अनुभव किया है, या हमारे जो टीचर हैं, हम लोगों ने भी अपने पढ़ते वक्त अनुभव किया है कि जो हमारा टीचर है, जिस टीचर को हमें सुनना है या पढ़ना है, और अगर मुझे उसकी क्लास लेनी है तो हम उसकी क्लास लेते थे अपने प्रोफेसर में। हमारे एक टीचर हुआ करते थे केमिस्ट्री के, बहुत अच्छी केमिस्ट्री पढ़ाते थे, उनकी क्लास मेरे से छूट गई तो मैं उनके रोज स्टाफ के सामने बाहर खड़ा हो जाता था, लगभग 10 दिन खड़ा हुआ, वो ट्यूशन नहीं पढ़ाते। और अल्टीमेट मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा स्टूडेंट हमारे लेक्चर को पसंद कर रहा है, कोई ना कोई माध्यम ढूंढेगा वो, जिससे वो हमको जुड़ेगा, हमसे हर हालत में जुड़ेगा, चाहे वो अपने पेरेंट्स से लेगा। अब जैसे अभी हमने, मैं एक और पॉजिटिव फैक्ट बताऊं, नॉर्मली हम पीटीएम सभी करते हैं, पीटीएम हमारी पीटीएम में जो साइंस फैकल्टी हम करते थे, कभी मैंने 15-20 ज्यादा पेरेंट नहीं देखे। जो लास्ट अभी पीटीएम की थी 8-10 दिन पहले हमने, उसमें 70 पेरेंट्स पार्टिसिपेटेड थे, जो हमारे लिए ये था कि भाई जो फिजिकली नहीं आते थे वो इतने लोग यहाँ पर हैं। नेचुरली मैक्सिमम बच्चे उनके क्लास ले रहे थे मेरी ऑनलाइन। अब उनके जो सोल्यूशन थे, तीन समस्या हमने उनसे भी जिक्र की, जिससे आपसे जिक्र कर रहे हैं, तो तीनों वो एग्री भी थे कि हाँ अगर हमारे बच्चे लग रहे हैं। एक मदर का एक इशू आया कि साहब मुझे ये नहीं लगता था कि बच्चे, वो डांट देती है कि भाई मेरी लड़की मोबाइल देख रही है, गर्ल्स कॉलेज है मेरा, मोबाइल देखती है, वीडियो देखती है, लेकिन मुझे पहली बार पता लगा, मैं इसीलिए आई थी कि पहली बार पता लगा कि मोबाइल के क्लास हो सकती है। तो हमारे जो बच्चों के पेरेंट्स भी बच्चों को मोबाइल देने लगेंगे, बच्चों को यदि उन्हें ये इस्तेमाल हो जाए, ये भरोसा हो जाए कि उनके बच्चे उसका उपयोग एजुकेशन पर्पज के लिए कर रहे हैं। अधिकांश पेरेंट्स में ये होता है कि बच्चा गेम खेल रहा होगा, बच्चा मूवी देख रहा होगा, बच्चा कुछ और कर रहा होगा, तो वो इसलिए मोबाइल देने से बचते हैं। तो बीच में हम कोशिश करें कि कहीं से हम पेरेंट्स से कनेक्ट हों, और पेरेंट्स से कनेक्ट होने के बाद हम उस पर जाए। अब हम टूल्स की बात करते हैं। देखिए ऑनलाइन टूल बहुत ढेर सारे हैं हमारे पास, मीटिंग के लिए, जो वीडियो मीटिंग, जैसे अभी हम मीटिंग कर रहे हैं, ये एक मीटिंग है, इसके लिए टूल बहुत अवेलेबल हमारे पास, लेकिन ये किसी जगह नहीं तो बहुत कम अवेलेबल है। क्लास के लिए टूल्स जो होते हैं उपयोगी, और जो मीटिंग के लिए होते हैं वो दोनों अलग होते हैं। अगर मुझे सिर्फ बात करनी है तो ग्रुप में या 25 या 30 स्टूडेंट मुझे दिख जाएंगे, और जितनी बड़ी स्क्रीन होगी एक साथ मुझे दिखते रहते हैं स्टूडेंट, 50 स्टूडेंट तक मैं एक स्क्रीन पर देख सकता हूँ, लेकिन वो सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंस पर, मतलब फेस टू फेस हम बात कर रहे हैं, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर पा रहे। लेकिन अगर मुझे इसे इंटरेक्टिव बनाना है, मुझे दिखाना है जूलॉजी वाले में कि वर्चुअल डिसेक्शन कैसे होता है, तो मैं इस मोबाइल का यूज कर सकूं, या मुझे अपना बोर्ड, उस बच्चे को ये ना लगे जैसे सर पीछे बैठे हो, सर के सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, सेम चीज मैं इस मोबाइल पे लिख सकूं, उसी हैंडराइटिंग में लिख सकूं, डायग्राम बना सकूं, तो उतना ही वो इंटरेक्टिव हो जाएगा, उसे महसूस ही नहीं होगा कभी कि वो क्लास में है या बाहर है, उसको वही माहौल अनुभव होगा। और दूसरे मोबाइल से एक दिक्कत क्या आती है, जैसे मैं अभी एट ए टाइम मोबाइल, चूंकि मेरे उसमें लैपटॉप में भी आवाज क्यों नहीं जा रही थी जब मैंने कनेक्ट किया, तो मोबाइल में क्या आती है कि भाई हम एक साथ 25 लोगों को मैं देख सकता हूँ, यानी 25 लोगों से मेरा आई कॉन्टेक्ट स्टूडेंट्स एक साथ होता है। यहाँ एक विंडो में 4 जुड़े इतने लोग हैं, लेकिन एक विंडो जब मैं चेंज करूंगा 4 लोगों से ज्यादा एक विंडो में नहीं देख पाऊंगा, तो ये मोबाइल में इशू होते हैं। लेकिन हम कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जहां पर हमारा पेन का कम इस्तेमाल है, ड्रॉइंग का कम इस्तेमाल है, तो हम इंटरेक्टिव बना सकते हैं। अब एक और बात आती है कि ढेर सारा स्टडी मटेरियल कंटेंट अवेलेबल है, मूव पे अवेलेबल है, स्वयं पे अवेलेबल है, आपकी स्वयं पर वहां करके एक चैनल है, 32 चैनल है वहां उपलब्ध है, तो हम
उसको हमारे स्टूडेंट क्यों नहीं इस्तेमाल कर पा रहे। सेंट्रल गवर्नमेंट को ही बात लिखी है, कई बार बात होती है कि इतना कंटेंट होते बाद होने के बावजूद वो यूज क्यों नहीं हो रहा। समस्या क्या है, जो मोस्ट ऑफ दी कंटेंट बना है वो टारगेट किया गया है 1 या 2% स्टूडेंट के लिए। मैक्सिमम स्टूडेंट टारगेट क्यों बनाया, किसने आईआईटी जिसने बनाया, नो डाउट बहुत क्वालिटी का है वो, बहुत अच्छा कंटेंट है, लेकिन हमें टारगेट हमें किस बच्चे को समझाना है ये भी तो देखना पड़ेगा। हमारा टारगेट ऑडियंस कौन है? अगर एक आईआईटी वाला जब टीचर पढ़ाएगा तो उसकी जो माइंड सेट होगा वो अपने आईआईटी के स्टूडेंट के अकॉर्डिंग ही होगा। जब हम और आप बात करेंगे तो हमारा माइंड सेट जब हम बोलेंगे जब बताएंगे तो हमारे स्टूडेंट के अकॉर्डिंग होगा, क्योंकि हम उस मालूम पढ़े हैं और हम चीज समझा रहे हैं। तो हमारे कंटेंट इन बच्चों के लिए बहुत यूजफुल इसलिए होंगे क्योंकि वो हमारी भाषा को समझते हैं, हम अपनी हिंदी भाषा को, चाहे मैं इंग्लिश ही क्यों ना पढ़ानी हो, आप जानते हैं अगर हमें इंग्लिश ही पढ़ानी हो उसमें तो हिंदी यूज करनी होती है। तो एक नॉर्म अपनी भाषा का इस्तेमाल करते हुए हर सब्जेक्ट को लेना, उसे इंग्लिश समझ में आती है, साइंस के हर चीज स्टूडेंट को समझ में आती है, लेकिन उसके बावजूद उसे अगर आप बिल्कुल प्योर इंग्लिश में हो जाएंगे वो दिक्कत देने लगेगा। तो ये चीजें हमें टारगेट करनी, हमारी सरकारों को देखना होगा कि जब हम कंटेंट तैयार कराएं